हार्ट के जो रोगी होते हैं उनका जो इस कोरोना के प्रति जो खतरा है अन्य मरीजों से ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि जो मरीज हार्ट के होते हैं वो इस बीमारी से काफ़ी समय से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, कार्डियक हार्ट फेलियर, एंजाइना या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके वजह से हमारी जो धमनियों में रुकावट होने आना और उसके वजह से जो हार्ट अटैक होता है, तो उसके बाद जो हमारा हार्ट का फैलाव हो जाना जिसके वजह से पंपिंग कम हो जाना, इसके साथ साथ एरिदमियाज जो होते हैं या पेसमेकर्स लगे होते हैं, और भी हमारे वाल्वुलर हार्ट डिजीज हैं, कंजनाइटल हार्ट डिजीज हैं, तो हमारा जो कार्डियक डिजीज है उसका जो विस्तार काफ़ी बड़ा है। बट कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति इससे ग्रसित है और हार्ट की पंपिंग कम है, तो देखा ये जाता है कि उसके बैक फ्लो जो लंग में जो है प्रेशर या एडिमा रहता है, जिसको पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, और पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, रात में सोते समय उसको बैठ जाना, या जिसको हम नॉक्टर्नल पैरिनियल जो है डिस्निया बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति के यदि फेफड़े में हमारे पहले से सूजन है और कोरोना ऐसी बीमारी है जो लंग को ही इन्फेक्ट करती है और लंग में ही निमोनिया प्रदर्शित करती है या दिखाती है, तो दोनों अगर बीमारियां 1+1 हो जाए तो हमारे हिसाब से 11 हो जाएगा, न कि 2। अतः हमेशा हृदय रोगी बीमारी वाले ग्रसित मरीज इस बीमारी से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। हमें जानने की ज़रूरत है कोरोना किस तरह की, COVID-19 किस तरह की बीमारी है। पहले तो ये बीमारी एक वायरस है जो आरएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस श्वास नलिका से होते हुए फेफड़े में हमारे प्रवेश करता है, जहाँ की झिल्ली में ये प्रवेश करके हमारे ब्लड में या वहाँ के टिश्यू में प्रवेश करता है। जब वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है तो हमारे शरीर के ऊतकों के साथ उसका एक रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में कुछ पदार्थ उत्सर्जित होते हैं जिसको हम इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस कहते हैं, जिसको इन्फ्लेमेटरी तत्व कहते हैं। जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी तत्व कहीं पर रिलीज होता है तो वो हमारे रक्त में भी जाता है, और रक्त जो है जहाँ जहाँ जाएगा वो इन्फ्लेमेटरी तत्व वो ऑर्गन को प्रभावित करता है। क्योंकि हार्ट में ब्लड होता है और ब्लड में ही इन्फ्लेमेटरी तत्व हैं, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारा हार्ट भी प्रभावित होता है। अब कैसे मेरा हार्ट प्रभावित होता है? हार्ट एक मसल है जो हम मायोकार्डियम कहते हैं। यदि ये इन्फ्लेमेटरी तत्व आते हैं तो मायोकार्डियम में सूजन पैदा करते हैं, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। मायोकार्डाइटिस जब होता है तो व्यक्ति की हार्ट की जो गति है वो तेज हो जाती है, जिसमें हम कहते हैं टेकीकार्डिया हो गई। इसके साथ साथ व्यक्ति में कुछ जगह पे एक तरीके का एपिसोडिक जो है इम्पल्स जनरेट होने लगता है। इसके साथ साथ दीवारें मोटी होती हैं, तो जो कंडक्शन हमारे जो ब्लड में हार्ट में होता है, जिससे ऊपर से नीचे तक करंट आती है, जिसके वजह से साथ एक साथ जो है हमारे मायोकार्डियम कंट्रैक्ट करती है, उसमें ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम कंडक्शन ब्लॉक कहते हैं। इसके साथ साथ देखने को ये भी मिलता है, जो हमारी झिल्ली है हार्ट की और जो मायोकार्डियम है उसके बीच में सूजन पैदा हो जाती है, जिसके वजह से उसमें एक तरह का पदार्थ सिक्रीशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन, या तरल पदार्थ उसमें भर जाता है, जिसके वजह से जो हमारे हार्ट की दीवार जो फैलती थी उसमें फैलाव कम हो जाता है, जिससे रिस्ट्रिक्टेड हमारे कार्डियोमायोपैथी की तरफ यह करने लगती है, और इसके वजह से हार्ट में प्रेशर कम उत्पन्न होता है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि यदि हार्ट की दीवार सूज जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जो उसका प्रेशर उत्पन्न करने की प्रक्रिया है वो भी कम हो जाता है, जिसके वजह से हम एक तरीके कहते हैं कार्डियक हार्ट फेल्योर। और भी देखा जाता है कि ये जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है हमारे शरीर में इंडोथेलियल डैमेज करती है, क्योंकि कार्डियक प्योर हार्ट से नहीं होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से मिलाकर हार्ट पैदा होता है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में वास्कुलर इंडोथेलियन लीक की वजह से थर्ड स्पेस फ्लूड लीक हो जाता है। इसके वजह से जो हार्ट में जो प्रेशर है या फ्लूड है उसकी मात्रा कम हो जाती है,
जिसके वजह से पेशेंट में शॉक या हम बीपी की कमी देखते हैं। इस तरीके से अगर हम जटिलताओं के साथ अगर हम हार्ट के लक्षण को प्रदर्शित करें या एक्सप्लेन करें तो पहला हम कहना चाहेंगे गति की जो हृदय की गति का तेज हो जाना, बीपी का जो है सामान्य से कम हो जाना, इसके साथ साथ दिल में दर्द होना या ईसीजी के साथ हमें जो है कोई भी जो ईसीजी के जो आपका जो वोल्टेज करंट आप देखते हैं या ईसीजी वेव देखते हैं उसमें अनियमितता पाना या एक्टोपिक वेंट्रिकुलर जो हमें दिखाई देना, इसके साथ साथ पेरिकार्डियल इफ्यूजन या पेरिकार्डाइटिस के भी ईसीजी में चेंजेस दिखाई देना, ये सब लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। पहले से ही हार्ट के आप मरीज हैं और अगर आपको कोरोना रूपी महामारी से ग्रसित हैं तो सबसे पहले आप निरंतर अपने पल्स और बीपी का एग्जामिनेशन करते रहें। इसके साथ साथ SpO2 भी एक डेफिनेट मार्कर है जो हार्ट के तरफ या हार्ट के बारे में बताता है। जैसे कि यदि व्यक्ति का टैकीकार्डिया 120-125 निरंतर बना हुआ है या आप उससे ऊपर बना हुआ है तो आदमी सचेत रहे कि हमारे हार्ट की गति तेज है। इसके साथ यदि आपको हार्ट में चेस्ट पेन होता है और यदि आपने कार्डियक जो है मार्कर जो हार्ट अटैक मार्कर्स हैं जिनको CKMB TROP-I जो कहते हैं यदि वो पॉजिटिव है तो आपको अस्पताल की तरफ मूव करना चाहिए। यदि आपको पेन चेस्ट पेन निरंतर बना हुआ है और ये पेन ECG अगर आपने कोई कराया उसमें चेंज के रूप में दिखाई देता है तो आपको अस्पताल की तरफ मूव करना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमने कहा ब्लड प्रेशर यदि आपका कम हो रहा है और ये अगर सिस्टोलिक 100 से कम है, डायस्टोलिक अगर आपका 60 से कम है या पल्स प्रेशर जो है आपका लेस देन 60 है तो आपको हॉस्पिटल की तरफ मूव कर जाना चाहिए। ये जटिलता के रूप में प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ यदि हमारा जो SpO2 जिसको ब्रेथलेसनेस कहते हैं यह भी एक डिफिनेट साइन या मार्कर है जिस जो हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए इंगित करता है। यदि SpO2 हमारा लेस देन 85 हो रहा है तो हमें हॉस्पिटल की तरफ चले जाना चाहिए। यदि व्यक्ति का 90-92 अगर है तो घर पे रहिए, नेबुलाइज करिए, स्टीम लीजिए, ऑक्सीजन सपोर्ट घर में अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है तो उसका उपयोग कर सकते हैं और घर पे तक मैनेज हो सकता है। बट 92-85 आप रिस्क में हैं, डॉक्टरी सलाह के साथ घर में रह सकते हैं। बट 85 के नीचे आपको सपोर्टिव वेंटिलेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन का ज़रूरत पड़ती है जो हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है या हाई फ्लो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जो हॉस्पिटल में ही पाया जाता है। देखिए यदि हार्ट रोगी है तो वो अमूमन सामान्य मरीजों की तरह उसकी ना देखभाल हो सकती है, न ही उसका इलाज होता है, न ही चिकित्सीय उपचार करना चाहिए। हमेशा जो हार्ट के मरीज हैं वो हाई रिस्क मरीज होते हैं, उनके चिकित्सीय उपचार हमेशा सघन चिकित्सीय जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय में, उनके निरीक्षण में, उनके मौजूदगी में या उनके देख रेख में ही करना चाहिए, क्योंकि हार्ट की जो बीमारी होती है इसमें अचानक मौत हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक हो जाना। क्यों ऐसा होता है ये जानना अति आवश्यक है। ये बीमारी कोरोना बीमारी जो है हाइपरकोएगुलेबिलिटी एंडोथेलियल डिसऑर्डर है, जिसके वजह से क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा पूरा होता है जिसमें हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो एंडोथेलियल की एक पतली दीवार अंदरूनी दीवार से बनी होती है। कोरोना मरीज जब पीड़ित होता है या जब वो इससे संक्रमित होता है तो हमारी हर तरफ की एंडोथेलियल दीवारों में सूजन या उसमें टूट पैदा होती है। इसके साथ साथ जो हमारे कोगुलेबिलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं जैसे डी डाइमर बढ़ जाना, ये कोगुलेबिलिटी डिसऑर्डर का एक मार्कर फैक्टर्स है, या अन्य मार्कर जो हमारे डिसाइडेड हैं वो बढ़ जाना, इसका मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन है, उसमें कोगुलेबिलिटी फैक्टर्स का जो है हाइपर मतलब बढ़ जाना। तो यदि नॉर्मल ब्लड जो जिस तरीके से उसका जो है थक्का बनने की प्रक्रिया है इसमें ज़्यादा होता है, यदि नाड़ी में थोड़ा सूजन है, यदि ये ब्लड उस नाड़ी में थोड़ा थक्का बनाया है तो जो पहले से हमारी जो संक्रमित नाड़ियां हैं जिसमें पहले से नर्विंग है, अगर नर्विंग और बढ़ जाती है तो पहले एंजाइना चेस्ट में प्रकट होता है, उसके बाद कभी और ज़्यादा हो गया तो हार्ट अटैक, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है।
तो इस तरह के मरीज चूंकि संक्रमित हैं तो तुरंत हम उसको जो है एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी तुरंत नहीं कर पाते हैं, जिससे जान बचाना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। जो नॉर्मली कर सकते थे वो इसमें वंचित हो जाते हैं। इसमें ब्लड थिनिंग एजेंट्स हम देते हैं, लो मॉलिकुलर वेट हीपेरिन सिलेनोक्सापेरिन हम लोग देते हैं कि हमारे पेशेंट में ब्लड पतला बना रहे और जमने की प्रक्रिया कम रहे। इसमें एक साथ और भी देखा जाता है कि आर्टराइटिस होती है, जिसमें हम कहते हैं नाड़ियाँ जो हैं में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको आर्टराइटिस होते हैं। आर्टराइटिस होने की वजह से भी हार्ट की जो दीवार है उसमें जो पतली पतली नाड़ियाँ हैं उसमें भी आर्टराइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से माइनर माइक्रो इन्फार्क्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से निरंतर चेस्ट पेन हो जाना या एरिथमिया डेवलप हो जाना। तो चूंकि उसमें बड़ी दीवार बड़ी नाड़ियाँ नहीं बंद होती हैं जिसको हम हार्ट अटैक बोले हैं, बट माइनर नाड़ियाँ बंद होने की वजह से एक्यूट थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ, आदमी सोचा कि भाई वायरस है तो हमारे मसल में कोई दर्द हुआ होगा या जो है सांस में जो है इस तरीके का इन्फेक्शन है, इस वजह से हमारे सांस के जो हमारी जो और भी सिस्टम है उसमें दिक्कत हुआ होगा। तो इसको कहते हैं कहीं पे दिक्कत है और हम कहीं की बात करने लगे, बट अचानक क्या होता है कि एक टॉपिक जनरेट होने लगते हैं और यह एक टॉपिक क्या करते हैं एरिथमिया के रूप में प्रकट करते हैं, और इसके वजह से अनियंत्रित हृदय की गति होने की वजह से व्यक्ति की देखते देखते मौत हो जाती है। अतः हम हमेशा ये कहना चाहेंगे यदि व्यक्ति कार्डियक पहले से है तो कितनी मात्रा में दवा लेनी चाहिए, और यदि हार्ट फेल्योर में जाता है तो हमें कैसे उसको नियंत्रित करना है, या एरिथमिया में जाना है तो उसको पहले से नियंत्रित करना है, यदि व्यक्ति को इश्चीमिया होती है या हम कहते हैं व्यक्ति को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होना है तो कैसे हमें दवा दे के बचाना है, ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। पहले से उस व्यक्ति के लिए वहाँ पे मौजूद ड्रग होनी चाहिए कि अवस्था आने पर तुरंत हम उसको दे के बचा सकें।